वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू मटर की रेसिपी। वैसे तो सभी ये सब्जी बनाते रहते हैं, पर मैं जिस तरीके से बनाती हूँ आज मैं वो शेयर करने जा रही हूँ। इसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने जा रही हूँ। तो मैंने गैस को ऑन कर लिया है, इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच जो है ऑयल के डाले हैं। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तब मैं इसमें 1 पिंच के करीब जो है हींग ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं 1 बड़ा चम्मच जीरा हमारा कटने लग गया है। अब मैं इसमें 1 मैंने मीडियम साइज की प्याज ली है वो ऐड कर रही हूँ। इसे मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हमें नहीं करना है, पर हाँ अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन करना है। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और सभी को पसंद आती है ये वाली सब्जी, आलू मटर की सब्जी। हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। हमारे जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें टमाटर जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था वो ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 बड़े टमाटर लिए हैं जिसको मैंने कद्दूकस की सहायता से ग्रेट कर लिया है। मिक्सर में मैंने इसकी प्योरी नहीं बनाई है क्योंकि ग्रेट करने से जो टमाटर का जो टेस्ट है इसमें प्योरी का बहुत ही अच्छा आता है, ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड करिएगा। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मैंने 1/2 चम्मच लिया है, ये भी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा। धनिया पाउडर 1.5 चम्मच के करीब लिया है मैंने। 1/2 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर लिया है। वैसे तो मैंने इसमें टमाटर डाले हैं पर अमचूर डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। अब इसमें मैं 3 साबुत हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। साबुत हरी मिर्च ऐड करने से ये स्पाइसी जो है कम बनती है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसे काट कर भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे स्पाइसी कम पसंद है तो मैं इसे पूरी साबुत ही डाल रही हूँ। इसे मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप कम मसाले में इसे बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर हमें लगता है कि प्याज हम ज़्यादा डाल देंगे तो अच्छी बनेगी या टमाटर हम ज़्यादा डाल देंगे तो अच्छी बनेगी, वो अच्छी नहीं बनती है। तो इसे कम प्याज या टमाटर की क्वांटिटी कम ही रखिएगा और सारे मसालों की। आप देख सकते हैं सारे मसालों ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ पे 4 आलू लिए हैं जिसको मैंने छील कर अच्छे से धो लिया था और ऐसे पीसीस में कट कर लिया है। मैंने आलू को अच्छे से मसालों में मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी जिससे हमारे जो आलू है वो अच्छे से पक जाए। जब हमारे आलू जो हैं 90% पक जाएंगे तो उसके बाद में हम इसमें मटर ऐड करूँगी। मटर मैं पहले ऐड नहीं कर रही हूँ। इसे मीडियम फ्लेम पे यहाँ बनाइएगा। अब मैं लीड लगाकर 5-10 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्जी है कितनी पक गई है। मैंने गैस को सिम कर दिया है, इसकी लीड उतार दी है। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी एक बार में। पहले हम आलू को चेक कर लेते हैं कि हमारे जो आलू हैं वो कितने पके हैं। हमें इसमें 90% आलू ही पकाने हैं, बाकी आलू हम जब मटर डालेंगे ना तब पकाएंगे। 90% आलू हमारे पक गए हैं, अब मैं इसमें मटर ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने 1 कप मटर ली है, मैंने फ्रोजन मटर ली है, आप फ्रेश मटर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका, देख सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी जिससे जो हमारी आलू मटर है वो अच्छे से पक जाए। ग्रेवी आप अपने हिसाब से पतली गाढ़ी जैसे भी आपको चाहिए आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे हल्की सी पतली ग्रेवी ही पसंद आती है।
अगर आपको लगता है कि आपकी जो ग्रेवी है और किसी गाढ़ी होनी चाहिए तो इसमें पानी कम ऐड करिएगा, और अगर आप पतली ग्रेवी चाहते हैं तो उसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा। तो अब इसे 5-7 मिनट के लिए ढककर फिर से मैं लीड लगाकर ढककर 5-7 मिनट तक फिर पकाऊंगी, जिससे हमारा जो मटर है वो अच्छे से पक जाए आलू के अंदर। अब हम लीड को उठाकर देख लेते हैं कि हमारी सब्जी है वो कितनी पक गई है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं इसमें 1 चम्मच के करीब मैंने कसूरी मेथी ली है, उसको ऐसे हल्के से क्रश करके मैं इसमें ऐड करूँगी, और 1/2 चम्मच के करीब मैं इसमें गर्म मसाला ऐड करूँगी। गर्म मसाले की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है इसमें। अच्छे से मिक्स कर दूँगी और लीड लगाकर 2 मिनट तक इसे पकने दूंगी, जिससे कि हमारे जो गर्म मसाला कसूरी मेथी मैंने डाली है वो अच्छे से इसमें सब्जी में मिक्स हो जाए। 1-2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं लीड उठाकर चेक कर लेती हूँ हमारी सब्जी कैसी बनी है। हमारी जो सब्जी है बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है इसका। अब मैं सर्व करने के लिए इसे दूसरे बॉल में निकाल रही हूँ। हमारी आलू मटर की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है देखने में, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है और सभी को बहुत पसंद आती है। इसे आप किसी के साथ भी बनाकर खा सकते हैं, जैसे पराठे, चपाती, पूरी, किसी के साथ भी आराम से खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और सभी को बहुत पसंद आती है। अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तब भी आप इसे आराम से बनाकर खा सकते हैं और खिला सकते हैं। एक बार आप मेरी बताई हुई रेसिपी से आलू मटर की सब्जी बनाकर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी आलू मटर की सब्जी कैसे बनी और आप किस तरह से बनाते हैं, ये भी मुझे बताइएगा। तो अगर आपको मेरी आलू मटर की रेसिपी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।